हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उसाना मुल्ला कुकिंग किचन में सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है, आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज कोलकाता स्पेशल फुचका लेकर आए। मुंबई में इसे पानीपुरी बोलते हैं, कोलकाता में इसे फुचका बोलते हैं। अब ज़्यादा जो मुंबई में जो पानीपुरी बनता है उसमें ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स जाता है, अब कोलकाता में जो फुचका बनता है उसमें कम इन्ग्रीडियंट्स से बहुत ही टेस्टीदार फुचका बनता है। तो अभी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो तीखा पानी कैसा बनाया है, इसमें क्या कैसा बनाया है? ये देखो, इमली और हरी मिर्ची को मैंने उसको पीसी, दरदरा पीस के उसके खट्टा बनाया, काला नमक दली और लाल मिर्ची पाउडर डाल के उसके खट्टा बना लिया। इसमें मीठा नहीं है, इधर का जो मीठा रहता है ना, मीठा बम्बई में वो मीठा पानी नहीं होता, चटनी मीठा चटनी नहीं होता, खट्टा रहता है। देखो इतना पतला रहता है, ठीक है, इससे भी पतला रहता है। और इसमें एक नींबू दे दे, इसको नींबू देने का है, ठीक है। हम नींबू का रस, ये नींबू का रस, नींबू का रस डाल दे तो इसमें अच्छा रहता है, इसके खुशबू आता है, इसका एक फ्लेवर आ जाएगा। वो एक नींबू रहता है काजू नींबू, काजू का मतलब काजू, काजी नींबू, काजी है काजी नींबू, वो पानी खट्टा में डालते हैं। अरे ये जो पानी पूरी का जो पूरी जो है ना, ये अपना मुंबई में मिलता है, कलकत्ता में मिलता है। तो मैंने आज मार्केट गई थी खरीद के लाए, तो मैं बोले चलो आज अब बनाते हैं आप लोग के साथ। अरे ये कितना, 100 ग्राम टुकड़ा आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चना लिया हमने 50 ग्राम और कुकुम्बर आधा एक लिया, मिर्ची दो, एक ठीक है, एक मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है। अभी देखो कोलकाता मुंबई में ऐसा बनाते हैं। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, फिर अब उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम लोग के जो पाजी फुचका बनाते ना, उसको देखे हम लोग कैसा बनाते। हाँ, तो ऐसा करके कच्चा चना देते हैं, कोई उबला चना देते, ज़्यादातर कच्चा देते चना। अरे जो नमक स्वाद अनुसार, काला नमक, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये ना देगा तो पानी पूरी फुचका बोलो टेस्ट नहीं आएगा। बोलो, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग दोनों ही है, तो इसलिए हम लोग कम दोनों के लिए बनाए। बस रेडी रेडी हो गया। अभी पूरी जो है, इसका जो पानी पूरी का जो अंदर मसाला जाते है, इस रेडी हो गया। अब ये जो पूरी है, अब जाएंगे इसको फ्राई करने के लिए। चलो किचन में, चलो हाँ। कोलकाता के किचन में, तो गैस में बिठा दिए हैं। अब इसमें हम तेल डालेंगे, चले लेके कढ़ाई में फ्राई करेंगे। देखो कढ़ाई गरम बाकी नहीं, गरम बिस्मिल्लाह बोल के डाल देंगे, एक डाल के देखते हैं देखते क्या बोलते, खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताना आप लोग। ये देखो कितना अल्लाह, छोटा छोटा हो गया, बड़ा हो जा। इसमें डाल देंगे सब, क्योंकि एक दिया देख रहे थे कि बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा, इसलिए जो भी है वो डाल दीजिए। माशाल्लाह कितना जबरदस्त जो था, दो कितना माशाल्लाह कितना जबरदस्त हुआ। गैस को थोड़ा आस्ते कर देना, हाँ धीमे करके और अच्छा बन जाए, पकेगा भी नहीं। रेडी, पूरा रेडी हो गया है। कितना बड़े बड़े कुरकुरेपन हो गया है। अब चलो खाने की तैयारी, शक्कर डालेंगे, खट्टा मीठा में अच्छा लगेगा। लगता है खट्टा में थोड़ा चीनी डालना है, आप लोग डाल सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल। गुड़ डालना है, चीनी डालना है, डाल सकते। ये जो नींबू दिया ना, इसको फ्लेवर अच्छा हो गया, 10 गुना टेस्टी हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसमें भी थोड़ा सा खट्टा डाल दो ना मम्मी, पूरी हम का बना रहे हैं पानी पूरा है, माशाल्लाह। मसाला डाल देंगे इसमें, तीखा पानी, तीखा और मीठा मिक्स। हो गया है रेडी, कोलकाता स्टाइल फुचका।
पानी पूरी बोल सकते हो, फुचका बोल सकते हो। पानी पूरी मुंबई में बोलते हैं, फुचका कोलकाता में बोलते हैं। अभी रेडी हो गया है, जबरदस्त भूख लग रही है, अब हम खाएंगे। तो आप लोग को कोलकाता स्टाइल फुचका कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कर देना। बहुत आसानी से बन गया है। अगर पूरी अगर आपके पास जरा हम लोग के पास जैसा पूरी था, अगर वैसा अगर रेडीमेड पूरी अगर आप लोग के पास कच्चा है तो आप लोग उसको फ्राई करके घर में आप लोग बना सकते हो, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये रेसिपी आप लोग को कैसा, जरूरत नहीं है हाँ बाहर आप लोग खाओगे तो उसमें मन नहीं भरता, घर पे आप लोग खाओगे तो पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है। तो चलो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कर देना। रेसिपी अच्छा लगे तो, फुचका रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारा और नया नया वीडियो आप लोगों को देखने मिले। और कौन सा वीडियो आप लोगों को देखना ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।